कि आपको दिख रहा है मैं हूँ अभी 56 दुकान इंदौर में, मेरे पीछे बड़ा बड़ा लिख ही रहा है, पार्सल दिया है, देखो करना कमेंट बताना इसको। ये देखो कैमरा नहीं। मस्त फ्रेश होके अब निकले इंदौर में कहीं घूमने, देखते हैं कहाँ जाएंगे घूमने। एक जगह ढूंढी है 56 दुकान ऐसा कुछ है, तो वहाँ जा रहे हैं अभी। अब क्या है कैसा है वो वहाँ जाके चलेगा पता नहीं। जैसा कि आपको दिख रहा है मैं हूँ अभी 56 दुकान इंदौर में, मेरे पीछे बड़ा बड़ा लिख ही रहा है। बहुत सही सीन है यहाँ पे, टेम्परेचर चेक करके फिर एंट्री मिली। 56 दुकान इसे क्यों बोलते हैं, लाइन से यहाँ पे 56 दुकानें हैं, खाने पीने की, फास्ट फूड है, मिठाई की दुकान है, ऐसा कुछ है, पर 70% दुकान बंद है। मन नहीं कर रहा बाहर खाने का, और मास्क लगा के अलग घूमना पड़ रहा है। इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर अगर तुम्हें शॉप से कुछ लेते हो तो यहाँ बैठ के नहीं खा सकते हो, तुम्हें पार्सल लेके जाना होगा, नहीं तो फाइन लगेगा। मैं यहाँ पे ब्लॉग कर रहा हूँ तो लोग घूर घूर के देख रहे हैं। कभी कभी जैसे ऑकवर्ड लगता है और कभी कभी ऐसे बड़ा मज़ा आता है जब लोग देखते हैं ना। उसने अभी यहाँ पे जॉनी हॉट डॉग शॉप है वहाँ से एक बेंजो लिया है, तो देखते खा के कैसा है। दो एक बेंजो लिया है मेरे हाथ में, पार्सल लिया है, देखो अब यहाँ पे नहीं बाहर तुझे खाओ, यहाँ पर अलाउ नहीं है। अभी हमने ये लिया है एक बेंजो, तो इसमें एक ब्रेड ऑमलेट है, ऊपर से बन है, उसे ब्रेड ऑमलेट बोलते हैं कोटा में। और कितने का दिया है अपन को ये? 30 रुपये का बच्चा, ये कैसी बात है। हाँ 30 का ही मिलता है कोटा में, कोई अलग चीज़ है ना, सेम है भाई, नहीं मिलता ना कोटा में, क्यों नहीं मिलता ऐसा ऑमलेट। अब खा के बताता हूँ टेस्ट कैसा है, खा लूँ पहले फिर बात करता हूँ। वर्थ है एकदम, एकदम वर्थ है। 30 रुपये में तो एक बेंजो ही है, ब्रेड ऑमलेट नहीं बोल सकते। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, और उसको बटर में भी तल रखा है शायद, बटर में तल रखा ना, और अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है इंदौर में। अब जा रहे हैं हम कुछ और खाने, कुछ और इंदौर का नया ट्राई करने, या कुछ देखेंगे। मार्केट तो ऑलमोस्ट बंद ही है वैसे। यहाँ पर हमने सुना है कि अगर मास्क नहीं लगाओ तो फाइन लगता है, इसलिए मास्क लगा लेते हैं। 550 मीटर दूर है, पास में ही है, 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। डोमिनोज जा रहे हैं, डोमिनोज की जा रहे हैं, अपन कुछ और खाते रहे यार, यहाँ कुछ खाना है, स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। डोमिनोज तो फिर कोटा में नहीं खा लेंगे, फर्क पड़ता है कोटा में। क्या फर्क पड़ता है डोमिनोज में, कैसे नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है बताओ। बहुत फर्क पड़ता है, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ फर्क पड़ता है, अगर सेम ब्रांड के अलग अलग सिटी में खाओ पड़ता है, कमेंट करना नीचे, करना कमेंट बताना इसको। नहीं पड़ता भाई, कुछ भी रख नहीं पड़ता। वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर छोटी वाला रेस्टोरेंट है, मुझे नहीं पता ये छोटी वाला की चेन है या नहीं है, पर मैं छोटी वाला एक तो ऋषिकेश में देखा था और एक आगरा में देखा था, तो भाई बहुत कोटा में भी आता है पता नहीं मुझे तो, पर बहुत ही बड़ा ब्रांड है भाई, A1 खाना है इसके। हम उतरने लगे तो बोल दिया कार में बैठो, तो यार ये तो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं कोविड के लिए, तो ये देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है। देखते हैं अब कैसे यहाँ पे मेन्यू आता है और क्या होता है। आधा घंटा हो गया यहाँ पे खड़े खड़े लोटस हट पे, और अब तो अजीब सा लग रहा है एकदम, कार बैठे बैठे यार परेशान हो गए। ऑर्डर भी टेक अवे है, यहाँ पे रुक के नहीं खा सकते, मतलब रूल्स को एकदम स्ट्रिक्ट है आगे दौर में। हम खड़े हैं लोटस हट पे, जैसा कि आपको बताया यहाँ की सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है, और एक घंटा हो गया मैं यहाँ पे खड़े खड़े, 45 मिनट तो हो ही गए होंगे, और अभी तक कुछ आया नहीं है ना ऑर्डर जो हमने प्लेस किया था। ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, इसकी पहले तो साइज़ देखो, दिख रहा होगा आपको, इसे इनके हाथ में चार आ जाए ठीक है। एक तो बहुत छोटी साइज, मतलब स्मॉल, तो एक प्याज की कचौरी, एक प्याज की कचौरी बड़ी वाली है ना, जोधपुर वाली, हमारे कोटा की, अगर आप लोग कोटा से हो तो। इतना छोटा और इसकी प्राइस है 100 रुपीज़, मतलब टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। अब खा के बताऊंगा कि क्या है, दिमाग ख़राब हो रहा है, ब्लॉगिंग करने की बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही, तो मैं भी कर रहा हूँ कैमरा बंद। जो भी होता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जैसा भी सीन आगे का होता है, पर अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल प्लेस इंदौर। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, और कितने टाइम बाद मैं ऐसा बोल रहा हूँ
आपकी प्लेस इंदौर या फिर कोई दूसरी प्लेस, नहीं तो इतने टाइम से 4-5 ब्लॉग से मैं प्लेस कोटा और धूप आ रही, कहीं और चल के बात करते हैं। तो देखो सीन कुछ ऐसा है, मैं कल 24 जुलाई को कोटा से निकला और 7-7.5 घंटे में इंदौर पहुँच गया, और आज मैं हूँ इंदौर में 25 जुलाई, और आज हम निकलेंगे वापस कोटा के लिए, क्योंकि यार मैं यहाँ पे कोई घूमने करने नहीं आया था, मैं बहुत एक ज़रूरी काम से आया था। मैं कल जहाँ भी गया था वो तो आपने ब्लॉग में देख लिया होगा, मैं ज़्यादा इंदौर में घूम नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे एक तो कोविड का टाइम है, आधी जगह बंद है आधी जगह खुली, और टाइम वैसे भी कम है, क्योंकि जहाँ मैं रुका हुआ हूँ उस जगह का नाम है नेहरू प्लेस या ऐसा कुछ है, अटल द्वार के आसपास है, अगर आप इंदौर से हो तो आपको पता होगा। तो मैं आपको यहाँ का थोड़ा टूर दे दूँगा, इंदौर के जो सोसाइटी होती है वो आसपास से घर वो कैसे दिखते हैं, तो मैं इतना दिखा दूँगा आपको। बाकी यार मुझे पता होगा आपको इस व्लॉग में शायद मज़ा नहीं आ रहा होगा या थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको अपने एडिट से अच्छा निकालने की। बाकी इस व्लॉग के लिए माफ़ी भाई, क्योंकि ये व्लॉग बहुत जल्दी में शूट हो रहा है, मैं कुछ सोचने का कहीं घूमने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे दो घरों के बीच में गैप है, जैसे ये घर है और इधर वाला घर है, इसके बीच में एक गैप है, दिख रहा होगा आपको, और अच्छा खासा गैप है। जो ये घर है ना, इसके राइट में भी घर होता है लेफ्ट में भी घर होता है, तो विंडोज़ बहुत कम होती है राइट लेफ्ट में, या तो आगे होती है या फिर पीछे होती है, और बाय चांस आप जगह अगर पीछे नहीं छोड़ो तो फिर पीछे भी नहीं होती है, तो क्रॉस वेंटिलेशन में बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि कई जगह मैंने मैंने काफ़ी जगह ऐसा देखा है कि लोगों ने पीछे की जगह पे भी घर बना लिया, इस प्लान वे में नहीं करा है, क्रॉस वेंटिलेशन का काम बिल्कुल जीरो कर दिया। मुझे इंदौर में कम से कम 20 घंटे हो गए और 20 में से मैं 8 घंटे या 9 घंटे सोया ही हूँ। लास्ट जब आपने देखा होगा तो मैं एक शायद कैफ़े या कुछ था, वहाँ से मैं हम पिज़्ज़ा खा के निकले थे, तो वहाँ इतना गंदा मूड ख़राब हो गया था ना, और उसके बाद से मुझे इतना तेज़ ज़ुकाम हो गया, इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया, ना मैं बोल पा रहा हूँ ना मैं व्लॉग कर पा रहा हूँ, उसके बाद मैंने व्लॉग किया नहीं। तो फिर मैं आके मेडिसिन ली और इतना भयंकर सोया हूँ ना कि मैं बस अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले, और ऐसे फ्रेश हुआ, नहाया धोया, सारे काम किए, और बस अब रेडी एकदम निकलने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा इंदौर घूम नहीं पाया, और अब निकलने का समय भी हो चुका है, हम 10 बजे तक निकल जाएंगे, अभी शायद 8:30 कुछ हो रही है, और अब चलते हैं नीचे, मस्त हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ खाएंगे। मैं नीचे जाके आपको टूर दे दूँगा इस जगह का, नेहरू प्लेस का, कोई इंदौर का हो तो वो इस जगह को लोकेट कर सकता है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था मैं ज़्यादा तो घूम पाऊँगा नहीं यहाँ पे, पर जहाँ मैं रुका हुआ हूँ नेहरू प्लेस में ना, नेहरू प्लेस अटल नगर, तो वहाँ पे घूम रहा हूँ, तो यहाँ की लोकेलिटी सोसाइटी जो भी आप समझना चाहो, देखो यहाँ के कुछ सीन्स ऐसे होते हैं, इस साइड घर और बीच में इन्होंने पार्किंग स्पेस दे रखी है, और इसी पार्किंग स्पेस पे किसी रो में मंदिर बना रखा है, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये मंदिर बना रखा है, तो एकदम ये प्लैंड सोसाइटी जैसे लगनी चाहिए ना वैसे लगती है, कि काफ़ी जगह मैंने देखा है लोग अनप्लैंड यहाँ घर बना लिया, ना पार्किंग स्पेस है, एकदम प्रॉब्लमेटिक सोसाइटी होती है हर गली में, मैंने देखा है किसी गली मंदिर है, किसी गली मस्जिद है, घर बड़े बड़े हैं, शॉप्स हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात रोड बहुत बड़े हैं और पार्किंग स्पेस अच्छी खासी है, तो दिस इज़ हाउ अ प्लान सोसाइटी लुक्स लाइक, परफेक्ट है भाई इंदौर की सोसाइटी। पर अब आ चुका है ऐसे निकलने का समय, क्योंकि अगर लेट करेंगे तो कोटा लेट पहुँचेंगे, पहुँचने में भी 7-8 घंटे तो कहीं नहीं गए, तो अब चलते हैं यहाँ से, रास्ते में आपको कुछ रुकूंगा तो बात करते हैं, फिर जो भी होता है आपको अपडेट मिलती रहेगी। रुके हैं तो बताना यार कमेंट सेक्शन में इंदौर के नमकीन फेमस है या नहीं है, हमारी कोटा की नमकीन तो बहुत ही फेमस है, मतलब तीखापन जो है ना वो कोटा की नमकीन के अलावा मैंने कहीं फील ही नहीं करा है, वो कभी टेस्ट ही नहीं करा है मैंने। तो अगर आप इंदौर से हो और यहाँ की नमकीन फेमस है तो हम ले रहे हैं, खा के बता दूंगा, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या सीन था यहाँ की नमकीन का, कौन सा पर्टिकुलर टाइप फेमस है यहाँ की नमकीन का। Sit you down, don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone. Been months,
मैं हूँ उज्जैन बाईपास। एक रोड निकलता है उज्जैन से होकर, पर हमने ट्राई सोचा है कि बाईपास से होकर निकले, तो बाईपास को यूज़ करने का 10 रुपये टोल दिया है। उसी टोल गाय खड़े हैं, पानी वानी पी रहे हैं, चलेंगे फिर थोड़ी देर में। हम जब आए थे तो सिटी उज्जैन में से होकर आए थे, पर अब जब जा रहे हैं तो बाईपास से होकर जा रहे हैं, तो ये भी चेक कर लेंगे, फिर बता दूंगा मैं आपको अगर आप लोग को इंदौर उज्जैन आना हो तो किस किधर से होकर आओ। फिर से रुके हैं थोड़ी देर के लिए, आसपास का व्यू देख लो। पता नहीं क्या करने के लिए रुके हैं, कुछ ढूंढ रहा है ये। मिल गई जो ढूंढ रहे थे मिल गया। व्यू देखो, मतलब आसपास का व्यू देखो, कितना तो भयंकर व्यू है, एकदम फट के मजे आ रहे हैं गाड़ी चलाने में, बहुत सही। चलते हैं वापस। अभी वापस रुके हैं खाना खाने के लिए, और अभी मैं खड़ा हूँ MP राजस्थान के बॉर्डर पे। इस साइड MP, इस साइड राजस्थान। भूख लग रही है और दो ढाई बज चुके हैं, तो खाना खा लेते हैं। कोटा यहाँ से 129 या तो पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। मस्त खाना खाते हैं यहाँ पे। क्या आवाज़ कर रहा है यार ये। आप रास्ते तो देख ही रहे होंगे, कितने प्यारे और सुंदर रास्ते हैं, मतलब रोड्स तो A1 और आसपास की सीनरीज भी A1। मज़ा आ रहा था देखने में, ड्राइव करने में, सही है, परफेक्ट रूट है भाई बारिश में ड्राइव करने के लिए। और बारिश अभी हो रही थी पर अभी थोड़ी देर पर रुक गई। अब ऐसी जगह रुक के खाना खाने का मज़ा कुछ और है, देखते खाने में क्या है। खाना खाया मस्त, अभी आलू की सब्ज़ी एज ऑलवेज, पराठे और नमकीन, मज़ा आ गया। डेजर्ट में केक खा रहा हूँ। इस राजस्थान मध्य प्रदेश हाईवे और एकदम बीच में खड़े हो गए, अब चलेंगे यहाँ से। कैमरा नहीं। ऑलमोस्ट कोटा पहुंच चुके हैं, अभी दरा में रुका हुआ बस पानी वानी पीने के लिए, और इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं आज के लिए। और अभी के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, नहीं लगा हो तो भी कमेंट कर देना। बाकी ऐश करो, मौज काटो और कीप ट्रैवलिंग। To use this warmth that could make brighter light.